हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए इस समय कुछ जरूरी खबरें सामने आ रही है। तो यदि आप एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो इन सारी खबरों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो पहली बड़ी खबर यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो रिपैट्रिएशन फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, उन फ्लाइटों से जो पैसेंजर्स ट्रैवल करके जा रहे थे उनमें से कई सारे पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया की सरकार अब अपनी बहुत सारी फ्लाइटों को कैंसिल कर रही है। क्वांटस एयरलाइंस और वर्जिन एयरलाइंस ने अपनी कई सारी फ्लाइटों को ऑस्ट्रेलिया से कैंसिल कर दिया है। अगली बड़ी खबर यहां पर यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने आज यहां पर ये खबर दी है कि जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेटेड कर लिया है वो लोग यूनाइटेड एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर अपना डेटा अपलोड करें और उसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस आप में से लकी विनर्स को चूज करेगी। और जिन लोगों को यूनाइटेड एयरलाइंस चूज करेगी उन लोगों को अपनी फ्लाइट से एक साल तक फ्री में ट्रैवल करने की परमिशन देगी। इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर मलेशिया की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि मलेशिया और भारत के बीच में अभी कुछ लिमिटेड तौर पर ही फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मलेशिया और भारत के बीच में रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें ऑपरेट हो सकती है। इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर पटना एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि साइक्लोन के कारण बीते कल पटना एयरपोर्ट पर केवल 17 फ्लाइटें ही ऑपरेट हुई है और बाकी सारी फ्लाइटों को साइक्लोन के कारण कैंसिल कर दिया गया था। इसके साथ साथ अगली खबर यहां पर दुबई की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि दुबई की एम्बेसी जो कि भारत में है, तो उनकी तरफ से बीते कल ये खबर सामने आई है कि भारत और यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर जो 14 जून तक का प्रतिबंध लगा है उस प्रतिबंध को 14 जून के बाद हटाया जा सकता है। यानी कि 14 जून के बाद भारत और यूएई के बीच में रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें ऑपरेट हो सकती है। तो जिन लोगों को भी भारत से यूएई में ट्रैवल करके जाना है उन सभी लोगों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच में जो रिपैट्रिएशन फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, तो बता दें कि अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि भारत और यूएस के बीच में जो लिमिटेड तौर पर फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी उन फ्लाइटों की संख्या को अब बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि अब यूएस के नागरिकों के साथ साथ भारत के नागरिक भी ट्रैवल करके जा सकेंगे। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर यही सारी खबरें आ रही थी जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर जरूर रखें ताकि आपके ट्रैवलिंग से और एयरलाइन से जुड़ी हुई जैसी कोई भी लेटेस्ट खबर आएगी तो वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।